नमस्ते दोस्तों, केम छो मजा मा। मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जनवरी में कटिंग से लगने वाले कुछ ऐसे प्लांट बताऊँगा जो आप बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हो और इसकी कटिंग एक हफ्ते में लग जाती है। तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं ऐसे प्लांट बताऊंगा जो आप हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से लगा सकते हो और बहुत ही सुंदर दिखते हैं वो प्लांट। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं और लगाने का तरीका आपको बताऊँगा कि कैसे मिट्टी में लगाना है इसको और कैसी जगह पर रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है कि कटिंग लगा तो देते हैं पर कटिंग ख़राब हो जाती है। तो क्यों हो जाती है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला प्लांट हमने लिया है वो है ये देखिए स्पाइडर प्लांट। इस स्पाइडर प्लांट को बहुत ही आसानी से आप कटिंग से इस टाइम ग्रो कर सकते हो। इसमें देखिए इस तरह से डंडी निकलती है और फ्लावर आते हैं। फ्लावर आने के बाद इसमें नए प्लांट निकलते हैं। तो यहाँ जो प्लांट निकलते हैं वो थोड़े से बड़े होने के बाद आप देखिए यहाँ रूट्स आ जाती है इस तरह से प्लांट में। तो कट करके आप लगा दीजिए। लगाने के लिए जो मिट्टी लेनी है आपको उसमें रिवर सैंड और जो चावल के छिलके आते हैं राइस हस्क, वो दोनों का इस्तेमाल कीजिए तो बहुत ही अच्छे से आपकी कटिंग चलेगी। क्योंकि रिवर सैंड और राइस हस्क दोनों मिक्स करने से क्या है कि आपकी कटिंग अच्छी चलती है। आप इसमें 20 से 30% गार्डन सॉइल पिला दीजिए। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र यूज़ करने से मिट्टी में हमारी कटिंग ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए कटिंग लगाते समय फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना है और कटिंग लगाने के बाद शेड में रखना है। इसके बाद हमने लिया है नेक्स्ट, वो है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को भी बहुत आसानी से आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। मनी प्लांट कटिंग लगने वाला इजी टू ग्रोइंग प्लांट है। इसके लिए भी सॉइल मिक्स वही सेम है मैंने जो अभी बताया, वही कि गार्डन सॉइल ले लीजिए 20 से 30%, बाकी रिवर सैंड और चावल के छिलके जो राइस हस्क आते हैं वो तीनों मिक्स करके। आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस मनी प्लांट को भी आप देखिए ये इसके नोड एरिया रहते ये, तो यहाँ से आप कट करके सिंगल सिंगल पत्ती से भी ग्रो कर सकते हो और ब्रांच ग्रो करना चाहो तो भी ग्रो कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो लगाया है वो देखिए उसमें राइस हस्क है, देख सकते हो आप, जो चावल के छिलके आते हैं वो, और रेत और मिट्टी तीनों मिक्स करके लगाया है। तो ऐसे में बहुत ही अच्छे से आपकी कटिंग चलती है और हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर दिखता है ये पौधा। तो देखिए इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो इस टाइम जनवरी में, ये कटिंग से अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसके बाद हमने लिया है वो है ट्रायंगल हार्ट। तो ट्रायंगल हार्ट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। इसकी भी कटिंग लगाना आसान है, इजी टू ग्रोइंग प्लांट है ये, और कैसे भी कबाड़ में भी इसको लगा दोगे आप तो भी ये लग जाता है। तो इसको भी आप कट करके मैंने जो बताई वही सॉइल लेनी है आपको और पूरा गमला सॉइल से भर के इसके ऊपर खाली बस इसकी कटिंग रख देनी है। ये देखिए इस तरह से गमले के ऊपर रख दीजिए तो इसमें से रूट्स निकल के आ जाती है और आपके पास नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ट्रायंगल हार्ट को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है यही। तो रूट्स इस तरह गमले में रख के उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखता है पौधा और हैंगिंग बास्केट परफेक्ट प्लांट है। तो इसको भी आप कटिंग के द्वारा इस टाइम जनवरी में ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है कहीं से भी इसकी कटिंग लाके आप ऐड कर दीजिए अपने गार्डन में, आपके पास नया प्लांट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसके बाद लिया है वो ये देखिए ये है चेन प्लांट। तो इस देखिए इसको हैंगिंग प्लांट भी बोलते हैं, चेन प्लांट भी बोलते हैं। तो इसको भी लगाना बहुत ही आसान है, इजी टू ग्रोइंग प्लांट है और दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और इसके अंदर से बेबी प्लांट निकल के आते हैं, ढेर सारे चेन की तरह लटकते हैं, देखिए यहाँ पर ये लटक रहे, तो इसलिए इसको चेन प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ जो बेबी प्लांट निकलते हैं ये लटक रहे हैं ना बेबी प्लांट, देखिए आपको टेरो प्लांट दिख रहे होंगे, तो ये बेबी प्लांट है। इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए, देखिए इस तरह से। तो ये बेबी प्लांट को आप यहाँ से कट कर लीजिए, इस तरह से कट करना है। थोड़ा इसकी रूट्स नीचे दबी रहे, ऊपर का हिस्सा थोड़ा खुला रहे लंबा इस तरह से,
और इसको आप, मैंने बताया, वही सॉइल में आप ग्रो कर दीजिए जिसमें 20% आप 20 से 30% गार्डन सॉइल लीजिए, बाकी राइस हस्क और रिवर सैंड तीनों मिक्स करके इसकी कटिंग लगा दीजिए तो लग जाती है। मैंने ढेर सारी कटिंग इसकी भी लगाई है और आसानी से ये लग जाता है। नेक्स्ट हमने इसके बाद जो लिया है वो है पेंडानन प्लांट। तो ये स्पाइडर प्लांट की तरह ही दिखता है पर इसकी पत्तियाँ थोड़ी हार्ड और एकदम चमकीली रहती है। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। इसके जो इस तरह से दिखे साइड में बेबी प्लांट निकल के आते हैं, ये देखिए ये सब बेबी प्लांट है, तो वहाँ से अलग करके आप लगा दीजिए। तो ये इतना हार्डी प्लांट है तो इसको लगाने के लिए आप क्या कीजिए कि गार्डन सॉइल और रिवर सैंड दोनों मिक्स कर लीजिए हाफ हाफ और फिर इसको लगा दीजिए। कटिंग कोई भी लगाए तो उसके जो सॉइल मिक्स ले रहे हो उसमें आप खाद का, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से क्या होता है कि आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया था तो ये भी मेरा लग गया है, और ये ब्लैक ग्रो बैक नर्सरी वाली थी उसमें लगाया, और एक यहाँ पे भी लगा के रखा है, तो बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात लिया है वो स्नैक प्लांट। ये ड्रॉप वेराइटी का स्नैक प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो इस टाइम देखिए इसमें से इस तरह से बेबी प्लांट निकल के आते हैं। तो ये बेबी प्लांट को आप अलग करके, यहाँ पे देखिए इसमें तीन प्लांट हुए हैं अब, तो जो बेबी प्लांट रहते हैं उनको आप अलग करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हो। और इजी टू ग्रोइंग प्लांट है और आसानी से ये लग जाएगी, बिना ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये प्लांट लग जाता है। तो इस प्लांट को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत ही सुंदर दिखता है। कहीं ये प्लांट दिखे तो एक सिंगल पत्ती इसकी तोड़ के ले आइए और कोई भी गमले में लगा दीजिए। इसकी पत्ती लेके आप कोई भी गमले में, देखिए इस तरह से कोई गमला है आपका, इसको इस तरह खुरद के बस पत्ती लाए हो वो पत्ती को मैं आप लगा दीजिए। यहाँ पे जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है और यहाँ से तोड़ा है तो ये वाला हिस्सा नीचे ज़मीन में अंदर गमले में डालना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग लगा दीजिए तो लग जाएगी। नेक्स्ट हमने इसके बाद लिया है वो है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट को भी कटिंग से इस टाइम आप ग्रो कर सकते हो और इजी टू ग्रोइंग प्लांट है और आसानी से कटिंग से लगने वाला पौधा है और हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए आप प्योर जो रिवर सैंड आती है वो लीजिए और 20% आप गार्डन सॉइल लीजिए और थोड़ा कोकोपीट या राइस हस्क 10-20% डाल दीजिए और इस तरह से आप इस प्लांट को लगाइए कटिंग को, तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाई थी कटिंग, तो कितने अच्छे से ये ग्रोथ कर रही है। ट्रायंगल हार्ट पूरी भरी हुई है और बीच में देखिए ये कटिंग और इसकी पत्तियाँ भी देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। तो मैंने आपको जितने भी प्लांट बताए वो सब आप कटिंग के द्वारा इस टाइम तैयार कर सकते हो और इजीली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड्स, बाय।